हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटीक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शर्क बनाने जा रहे हैं। आज शर्क की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने वाले हैं। तो शर्क के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, इसकी स्टिचिंग, कटिंग, एक एक पॉइंट किस तरह से शर्क जो कटिंग होती है, जैकेट किस तरह से कटिंग करें, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सी शर्क बन के तैयार होगी दोस्तों, एंड तक देखें ताकि आप भी सीख सकें। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा नाप है, लेंथ है 42, चेस्ट है 35, वेस्ट है 30, हिप है 38, लूजिंग 4-3-4 की प्लस करेंगे। स्लीव्स है हमारी 16.5 इंच अम्ब्रेला स्लीव्स बनेंगी। मैं भी स्लीव्स के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से कटिंग करनी है। शोल्डर हमारे हैं 15 इंच। ये हमारा कपड़ा है 2.25 मीटर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हमने इस तरह से बिछा लिया काउंटर पे। डबल फोल्ड है ये, एक फ्रंट एक बैक का पल्ला हो गया, एक फ्रंट का पल्ला हो गया। ये 4 लेयर में बिछा हुआ है कपड़ा। ये देखिए, 1, 2, 3 और एक ये 4। तो 4 लेयर में हमने इसको बिछा लिया है, फ्रंट और बैक। वन साइड अपनी साइड रखनी है, खुली साइड दूसरी साइड रखनी है। अब हम सबसे पहले नीचे के साइड एक निशान लगा लेंगे घेरा सीधा करने के लिए, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने एक निशान लगा लिया है। इस निशान पे हम इसको कटिंग करके सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसमें नीचे मार्जिन रख लेंगे। हमें जितना मार्जिन रखना है, 1.5-2 इंच इतना रख सकते हैं फोल्ड करने के लिए। और निशान लगा लिए सीधा स्केल से। ये सीधा निशान लगाने के बाद दोस्तों, जो हमारी लेंथ है वो 42 है, तो हम 42.5 पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। ये देखिए, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर निशान लगाएंगे 42 पे। और जैसे कि शर्ट में कटिंग होता है, आर्मोल जो हम इसका रखेंगे वो 6.5 इंच पे रखेंगे आर्मोल। वेस्ट हम इसकी 14.5 पे रख लेंगे। और जो हिप है वो इसकी हम रखेंगे 21 पे। ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब इनको स्केल की मदद से सीधा निशान लगाना है। ये हमारे चारों निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमने निशान लगाना है वो इसके शोल्डर का नाप निशान लगाना है। शोल्डर दोस्तों इसके 15 इंच हैं, तो हम इसके शोल्डर 15 इंच ही रखेंगे, इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बैक गला इसका माइनर सा कटिंग होगा, हल्का सा शेप देने के लिए सिर्फ। तो इसके तीरे प्रॉपर इतने ही रखेंगे। नीचे के साइड भी लगा लेंगे 7.5 पे निशान। 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमने इसका ब्रॉड रखना है। और यहाँ पे 1.25 इंच की शेप दे देंगे आर्मोल की। ये निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए,
कंधे हम आधा इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा चेस्ट कमर हिप का नाप है उसका डिवाइड करके फोर्थ पार्ट में निशान लगाएंगे, यानी कि 35 है, 4 इंच प्लस करके 39 होता है, तो 39 का आधा 19.5 होता है। इंची टेप की मदद से इस तरह से फोल्ड करके चौथाई भाग निकाल के यहाँ निशान लगा लेंगे 9.25 पे। वेस्ट है हमारी 33 का आधा होता है 16.5 का आधा है 8.25, तो हम 8.25 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। हिप है हमारी 38 है, 4 इंच प्लस करेंगे, 4 को 42 हो जाएगा, 42 को 4 में डिवाइड कर लेंगे, उसका जो भी निकलता है हम निशान लगाएंगे। 42 का फोर्थ भाग निकलता है 10.5, तो 10.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और जो इसकी घेरा इसका रखना है वो थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे क्योंकि शर्ग है, तो इसका 26 इंच रख देंगे हम। अब हम स्केल की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे निशान लग चुके हैं। ये हमारा घेरे का चेस्ट कमर हिप का टोटली निशान लग चुके हैं। अब इसमें हम मार्जिन का निशान और लगा लेंगे, जितना भी मार्जिन आपको रखना है 1.5-2 इंच का, स्केल की मदद से इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोस्तों अब जो इसका आगे से इसको ओपन रखना है, तो फ्रंट की इसकी जो है कटिंग करनी होगी हमें। तो ये 6 इंच पे हमने ब्रॉड का निशान लगाया था, 6 इंच पे इस तरह से, 6 इंच का आधा 3 इंच होता है, तो 3 इंच पूरे पे निशान लगा लेंगे इस तरह से लेंथ वाइज। और स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसमें फोल्ड करने के लिए कम से कम 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम एक्स्ट्रा इस तरह से। देखिए ये मार्जिन ले लेंगे ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें, तो उधर कम ना हो जाए। आर्मोल का निशान लगा लेंगे राउंड शेप में, ये हमने आर्मोल का भी निशान दे दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इसी निशान पे। बैक शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे, वो बढ़ती कटेगा आपका 0.5 इंच इस तरह से। अब जो हम कटिंग करेंगे, सबसे पहले बैक के निशान पे कटिंग करेंगे। आप फ्रंट का पल्ला उठाकर इस तरह से फ्रंट के आर्मोल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसी निशान पर पूरा नीचे तक कटिंग कर देंगे। कट लगा लेंगे यहाँ पे फिटिंग के, जो चेस्ट का है स्लिट इसके बंद रहेंगे तो यहाँ पे कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक के साइड निशान उठा लेंगे। ये जॉर्जेट कपड़ा है हमारा तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसको निशान आसानी से उठ जाएंगे इस तरह से।
अब जो ये हमारा फ्रंट का पल्ला है ऊपर की साइड, इसको हम कटिंग करेंगे इस वाले निशान पर। पूरा पहले निशान लगा लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। ये हमने पूरी पट्टी कटिंग करनी है फ्रंट पल्ले की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब इसको हटा देते हैं। दोस्तों ये हमने स्लीव्स का कपड़ा चार तह में बिछा लिया है। ये देखिए 1, 2, 3 और 4। ये खुली साइड अपनी साइड ही रखनी है क्योंकि इसमें सेंटर में लेस लगानी है। इस तरह से अम्ब्रेला स्लीव्स बनानी है दोस्तों। जो स्लीव्स का हमारा जो नाप है वो है, लेंथ 16.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 16.5 पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच का एक मार्जिन ले लेंगे। नीचे से जो आर्मोल है उसकी जो शेप है हम 3.5 इंच पे देंगे। इस तरह से जो हमारा इसका आर्मोल है वो 15 इंच है। आर्मोल हमारा 15 इंच है तो उसका 7.5 डिवाइड, 2 में डिवाइड करके 7.5 पे निशान लगाएंगे। शेप दे देंगे। ये देखिए अब जो हमारी इसकी अम्ब्रेला की जो शेप देनी है वो कुछ इस तरह से देनी है। ये देखिए और इस साइड भी हम राउंड शेप दे देंगे इसको। ये देखिए और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव जो है कुछ इस तरह से कटिंग होगी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इस निशान पे। एक 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जर लेकर कटिंग करें इस तरह से। ये देखिए दोस्तों हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम ज़रा कट लगा लेंगे और आर्मोल की शेप जो होती है वो दे देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए ये हमारी लैस है खूबसूरत सी, इसी लैस से हम डिज़ाइन बनाएंगे इसका फ्रंट में और ये स्लीव्स पे लगेगी मोती वाली लैस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिलाई। इसको भी हम हटा देंगे। ये हम फ्रंट इसका हटा देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बैक का गला जो है ना इसका फिनिश कर लेंगे। ये 6 इंच ब्रॉड पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए फालस पट्टी निकालने के लिए एक और पट्टी कटिंग कर लेंगे इस कपड़े से।
ये देखिए एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। सो पट्टी लगा के फिनिश कर लेंगे इसको। मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इसका बैक गला तैयार हो गया है। अब हम इसका फ्रंट तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये दोनों पल्ले इस तरह से एक एक पैर की सिलाई से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सीधी साइड को फोल्ड कर लेंगे। दूसरे पल्ले को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगाकर दोनों पल्ले कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए अब हम इसमें ये लैस लगाएंगे। देखिए इस तरह से एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अभी हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे। ये देखिए दोनों पल्ले में हमारी लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी साइड जोड़ के इसको तैयार करेंगे। घुम कंधी जोड़ने के लिए दोस्तों ये जो उल्टी साइड है वो इस साइड रखनी है पहले। और ये सीधी साइड ऊपर वाला पल्ला ऐसे रखना है सीधा ऊपर। और ये इस तरह से रखना है और दो सूत की सिलाई लगानी है। दूसरी कंधी भी इसी तरह से जोड़ेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे
इस तरह से, ये देखिए ये उल्टी साइड उधर चली गई है बाहर, ये सीधी साइड अंदर चली गई है, ये हमारा मार्जिन गुम हो जाएगा। इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंधी पर। इस तरह से सिलाई लगा दें। ये तो ये देखिए दोस्तों, कंधी हमारी जुड़ चुकी है। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो इसकी बैक की का बैक का जो गला है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर पक्का कर दें। धागा फिनिशिंग से कटिंग कर दें। साइड जॉइंट करने से पहले दोस्तों हमें इसकी स्लीव्स बना लेते हैं। स्लीव्स इसको हटा देते हैं। ये हमारी स्लीव्स हैं। निशान लगा लेंगे उल्टे सीधे का, ताकि हमें पता चले कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। दोस्तों सबसे पहले चारों पल्लों को हल्का हल्का ब्रीक ब्रीक फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स फोल्ड करके हमने तैयार कर ली है। देखिए अब हम इसमें लेस लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों आज आपको हम एक नई ट्रिक बताएंगे लेस लगाने की। आपको सिंगल बूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल बूट चाहिए होता है इस तरह की लेस लगाने के लिए, मोती वाली, क्योंकि मोती अड़ जाते हैं बूट में। तो दोस्तों करना क्या है आपको, जिस साइड को भी आपको लेस लगानी है इस तरह से, तो आप इसको प्लास की मदद से बूट को इस साइड घुमा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए हमने बूट साइड में कर दिया है। अब हम इस तरह से लेस लगा सकते हैं। इसको रखकर आराम से लेस हमारी लग जाएगी किसी भी दिक्कत के बिना। मोती भी नहीं टूटेगा और लेस भी हमारी लग जाएगी। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लेस लगा सकते हैं। बोर्ड साइड में करके ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सफाई से हमारी लेस लग रही है।
सिंगल बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं है हमें, बस थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्लीव्स में, एक स्लीव्स में लेस लग गई है। ये देखिए फर्स्ट क्लास, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है। ये देखिए बाकी पार्ट्स में भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लेस लगी है। ये देखिए दोस्तों, ये स्लीव्स में हमारी लेस लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी यहाँ पे दो टाँके लगा लेंगे और यहाँ पे बीच में दो टाँके लगा लेंगे ताकि ज़्यादा स्लीव्स भागे ना। दोस्तों अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। ये देखिए हमने टाँके लगा दिए हैं दो, एक यहाँ पे एक बीच में। ये देखिए अब हम इसकी स्लीव्स अटैच कर देंगे इसके साथ रेडीमेड की तरह, जिस तरह से रेडीमेड कुर्ते में होता है। ये देखिए ये बाजू हमारी अटैच हो गई है एक साइड की। ये देखिए दूसरी साइड की बाजू लग गई है। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे साइडों से, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाकर। ये देखिए दोस्तों, इस कुछ इस तरह से हमारी इसकी शेप आ गई है ये स्लीव्स। अब हम इसका नीचे का घेरा फोल्ड करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए शर्ट तैयार हो चुकी है पूरी। ये देखिए इसकी स्लीव्स। अम्ब्रेला स्लीव्स, ये शर्ग है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।